श्रीलंका में आर्थिक हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और एक बार फिर श्रीलंका की जनता सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और जनता के निशाने पर अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आ गए हैं। अब इसी पूरे मामले के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इस वक्त त्राही त्राही मची हुई है। देश की जनता आर्थिक हालात से त्रस्त है, पेट्रोल डीजल खत्म होने की कगार पर है, पेट्रोल पंप पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं, खाने पीने की वस्तुओं लगभग हर चीज की देश में कमी हो गई है, जनता भुखमरी का शिकार हो रही है। ऐसे में अब जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने आवास को घेर लिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर भाग गए हैं। बता दें कि इससे पहले 11 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भी अपने पूरे परिवार के साथ भाग गए थे, क्योंकि इसी तरह उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था। वर्तमान हालात को बेकाबू होते देख श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। इसके साथ ही पीएम ने स्पीकर से संसद सत्र बुलाने की अपील की है। राष्ट्रपति के खिलाफ बढ़ रहे विरोध को देखते हुए श्रीलंका SLPP के 16 सांसदों ने एक पत्र में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से तत्काल इस्तीफा देने का अनुरोध किया है। कोलंबो स्थित राष्ट्रपति आवास को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और आवास पर जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं दूसरी तरफ रैली के दौरान श्रीलंका की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है। बता दें कि बीते दिन यानी शुक्रवार को श्रीलंका ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने कर्फ्यू लगाने से पहले कोलंबो में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की थी। यानी अब हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। ऐसे में गोटाबाया अपने पद से इस्तीफा देने को राजी होते हैं या नहीं और पीएम विक्रमसिंघे कैसे करते हैं हालात नियंत्रण, ये देखने वाली बात होगी। DV लाइव की रिपोर्ट।